सो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? हाँ गाइस, मैंने आपको बोला कि मैं 10K का सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, साथ वो ही थी ने। तो अभी फिलहाल सब हो गए रेडी बीडी, अभी 5 मिनट पे केक कट करते हैं और रील्स शूट करते, फोटो शूट करेंगे, सब कुछ करेंगे और एंड तक ब्लॉग देखना, ज़रा भी स्किप मत करना गाइस, आपको भी मज़ा आने वाला है। हाँ गाइस, मेरे को मतलब ये वीडियो पे, ये ब्लॉग पे ना 500 सब्सक्राइबर चाहिए और कमेंट 20 कमेंट चाहिए, और ये करेगा तो उसका नेक्स्ट ब्लॉग एकदम पावर वाला बनाने वाला। और जितना हो सके ना ये वीडियो शेयर करो और लास्ट तक देखना वीडियो। चलते अभी मचाते अभी क्या, तो गाइस देख सकते हो इधर हमारा महेश भाई क्या बोलता है, स्टिंग बोले, ये मेरा छोटा भाई, ये हितेश भाई, सब भाई, इधर भी लड़के लोग सब बहुत सारे लोग खड़े हैं। ये हमारा किटकैट भी आ चुका है, अभी किटकैट खाते हैं, फिर बाद में थोड़ा आपसे बात करना है मुझे, और बात करेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर मस्ती विस्ती करेंगे, फिर बहुत सारा, मतलब मेरा एक सपना था गाइस, तीन साल से मतलब वीडियो बनाते जा रहा हूँ, मतलब फर्स्ट अकाउंट में खुला था ना, अकाउंट मेरा कुछ नहीं हुआ, एक बंदे ने हैक भी किया, मतलब फिर भी मेरे को पता चल गया, मैंने पासवर्ड चेंज कर चुका था, फिर मतलब वीडियो छोड़ता था गाइस, मतलब वीडियो जाते नहीं थे, इतना बोलते थे, मतलब दोस्त लोग भी बोले सबर कर, जाएगा, तो मतलब मेरे को एक अंदर से एक बोल रहा था कि ये वीडियो, ये अकाउंट तेरे नसीब में नहीं है। तो मैंने सोच लिया था कि नहीं, अभी मेरा न्यू अकाउंट खोलता हूँ और उसमें वीडियो छोड़ता हूँ, बस यही था, मतलब मेरा एक सपना था कि मेरी माँ बोली थी कि जो तू कर रहा है ना, तो वो करते रहे, अच्छी बोलते ना, ऐसा ध्यान में दे जो क्या बोल रहा क्या नहीं, तू जो चल रहा है एंड तक चलाओ, ऐसा ही बोली। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी घर का भी सपोर्ट मिल रहा है मुझे, तो घर वाले सब मेरे रील्स वील्स देखते हैं, तो मैं सोचा मेरे को घर का सपोर्ट मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़े ये मौका। तो फिर मैं न्यू अकाउंट में बनाते गया, तो जो वीडियो एक गई थी, मतलब फर्स्ट टाइम मैं मीट किया था रोहित भाई से, तो रोहित भाई से मैंने मिला था बहुत कुछ, मतलब अंदर से एक बोलते ना गाइस, अभी आपका इंस्पिरेशन सामने खड़ा हो तो आपको अंदर से एक फील आता है ना गाइस, तो मुझे इतना खुश हुआ, उस दिन चॉकलेट डे था, तो मैं बोला कि यार आज चॉकलेट देता हूँ रोहित भाई, तो मैंने आए सामने से, सामने सामने से बाहर आए, मैंने उनको चॉकलेट दिया, मतलब हाथ मिलाए, थैंक यू, तो मैंने फ़ोटो वीटो खींचा कार में, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक दिन कब, ये दिन कभी आएगा मैं रोहित भाई के साथ बैठूँ, मतलब उनके बाजू में उनका फ्रेंड था, मैं तभी भी वीडियो नहीं कर रहा, ऐसा क्या कार में जा रहे, ऐसे यूटर्न मार रहे थे, मैं सोच रहा था मैं कभी बैठूँगा यार, तो ऐसा हो गया। फिर मैं घर पे गया तो घर वालों को दिखाया, घर वाले तो जानते हैं रोहित भाई को, मतलब सबको दिखाया, मैं इतना खुश हो गया था ना उस दिन। फिर बाद में मैंने पोस्ट किया वो फोटो में कुछ 2000 लाइक है, मैं बोला इतना है यार, फिर वीडियो छोड़ा मैंने रील्स, और जो रील्स है ना गाइस, वो रील्स के वजह से मेरा आज 10K हुआ, वो रील्स का व्यूज ऐसा गया कि 12 मिलियन के ऊपर गया, फिर बाद में आज मेरा 10K हो गया। हाँ खुश हूँ ना गाइस, इतना मतलब बाहर से खुश हूँ, अंदर से रो रहा हूँ, ऐसा सीन है। मतलब अभी गाइस कितना वीडियो पे, थोड़ा मैं, मम्मी भी चिल्लाती है मेरे को, मतलब काम पे जा, थोड़ा बहुत काम कर, वीडियो भी बना, तेरे को मना नहीं कर रही। मैंने सोचा घर का सिचुएशन भी बहुत ख़राब चल रहा है, तो मैंने बोला कि नहीं मैं भी काम पे जाऊँगा, थोड़ा बहुत मतलब हो सकता कंफर्टेबल हो सकता घर को, तो मैं काम पे गया, वीडियो बनाता था, तो ऐसा होके मतलब अच्छा लगता था कि जब आपका ड्रीम होता है ना तो सक्सेस है ना सक्सेस। आज भले लोग हैं ना आपको यहाँ से आप सामने से जाते रहिए कि देखते, इग्नोर करते, चिढ़ाते, कुछ मत सुनो, बस इग्नोर करो, खुद के भरोसे पे चलो आगे, ये दुनिया किसी का नहीं होता गाइस। मतलब मेरे साथ हुआ था ऐसा, मतलब मैं चल रहा था मेरे एरिया पे, तो मेरे को पीछे से कमेंट करते थे, चिढ़ाते थे, कुछ भी बोलते थे गाइस, तो मैं नहीं सुनता था, मतलब मैं नहीं सुनता, अभी भी नहीं सुनता,
भले कितने जन भोगा कुछ भी बोलने दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता गाइस। तो भाई बहुत कुछ लाइफ में मेरा हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि सोच ही लिया कि जब आपका अच्छा टाइम रहता है ना, तो हर कोई है ना पीछे से कमेंट पास करता ही है। मैं वो बात बोलना ही भूल गया था। हाँ, तो मैं पेपर लाइन जा रहा था, पेपर डाल के आ रहा था। कुछ टाइम लगभग 7:40 रहेगा, तो मेरा लास्ट पेपर था, मतलब घर में बिल्डिंग में जाके देख के आ रहा था। तो एक बंदा था, मतलब मेरे को बोलते भाई आप रमेश हो ना, बोला हाँ भाई। तो उसने फोटो खिंचाया था मेरे से, तो मैं इतना खुश हो गया, मतलब बोला इतना खुश हो गया, मेरे को भी लोग जानते, इतना खुश हुआ। मैं मम्मी को भी बोला, मम्मी मेरे से एक लड़के ने फोटो लिया वहाँ पे। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा कोई सेल्फी लेता है, ऐसा मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है गाइस मेरे को। तो देखो मैं किसी को इग्नोर नहीं करता हूँ गाइस, आप भी बोल रहा, मैं किसको नहीं इग्नोर करता हूँ। वो चीज़ मिला है ना तुझे, तू वो खो मत। मैं बोला हाँ मम्मी, नहीं कहूँगा, जो मेरा ड्रीम है वो पूरा करूँगा पूरा। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, वो कोई खिलौना नहीं है गाइस, एक सपना है। मतलब मेरे को एक खुद का घर लेने का है, बहुत सपना है मेरा, बहुत। वो जरूर करूँगा गाइस, जरूर ये ब्लॉग में बोल रहा हूँ, करूँगा जरूर। पागल माता बोले गाइस, ये बंदे को शर्म आता है बोलता प्रो करने में। भाई तू कभी गर्लफ्रेंड बैठेगा तो उसको भी बोलेगा भाई मेरे को शर्म आ रहा है, चल ऐसा बोलेगा। तो सरमान एकदम प्यार, एकदम मोहब्बत है। तुझे तुझे ट्विटर में गर्लफ्रेंड बनाना है? क्यों नहीं बनी? क्यों मेरा भाई है तू, सही है। ए भाई इन लोग ऐसा नहीं है, इन लोग डबल सीन है। ले ले मेरी तरफ से गिफ्ट, तुझे गिफ्ट जो भी देते उसको, जो भी लड़की मिले उसको ठोक दे, ले डाल दे उसको। ज्यादा हो गया रे, बस हो गया। ए भाई चॉकलेट आएगा क्या? हाँ नहीं, ऐसा किसी से भी चॉकलेट लेने का नहीं। बेरा उन्टे रहता है, भगोड़े लोग रहते हैं, तेरे को भागा के लेके जाएंगी, तेरे लाएंगे सोशल करेंगे बच्चे लोग। दो आइटम तूने वो क्या बोला दोपहर को मेरे गर्लफ्रेंड को, क्या बोला तूने, क्या बोला? शादी करेगा कौन? बोला वन बोला ना, तू बोला। तू शादी क्यों नहीं कर रहा वाला और माँ बाप के साथ बस यही खुदा से ख्वाहिश है। और मेरे जलने वालों जरा कान बोल के सुन लो, आपको जलाने की तैयारी और जा रही है। गाइस सेलिब्रेशन सब हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं ये दोस्त का घर पे। तो गाइस जितना हो सके ना उतना, मेरे दोस्त फ्रेंड ने मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए इतना सेलिब्रेशन किया। गाइस मैं भी कुछ करूँगा जल्दी, उन लोगों के लिए जल्दी करूँगा। टाइम अपना टाइम खराब चल रहा है, इसके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। जब टाइम आएगा मैं भी करूँगा, जितना हो सके मैं हफ्ते में दो बार ब्लॉग पोस्ट करने का कोशिश करूंगा गाइस। ऐसे बने रहो मेरे साथ ब्लॉग पे, जो भी डेली मेरा ब्लॉग देखता है उन लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा। गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा सेलिब्रेशन, और कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा अच्छा नहीं है, मेरे को कमेंट में बता दो। सो गाइस कल मैं ब्लॉग ऐड करना भूल गया था, क्योंकि मेरा फ़ोन का चार्जिंग कितना था पता है आपको? 1% है। 1% में क्या करूँ यार, ब्लॉग ओपन करूँगा सीधा स्विच ऑफ हो जाएगा। मैंने सोचा कि घर पे जाता हूँ और चार्जिंग लगाता हूँ और ब्लॉग ऐड करता हूँ, तो मैं ऐड करना भी भूल गया। तो फिर मैंने सोचा कि मॉर्निंग में करता हूँ ब्लॉग ऐड करता हूँ। तो गाइस मेरे साथ इतना बड़ा गंदा सीन हो गया ना, आपको क्या बोलूँ मैं। तो मैं ना काम पे निकल रहा था, 7:15 का मेरा बस था, तो बस के लिए मैं निकल रहा था। उठने में ना फटफट बस स्टॉप टाइम पे भाग भाग के गया, देखो तो मेरा बाजू से बस जा रहा है। मेरा जॉब पे जाने के लिए एक ही बस रहता है, बराबर परफेक्ट टाइमिंग पे ना मेरा सामने छोड़ देती है, तो वही बस बराबर रहता मेरे लिए। बाकी बस यहाँ से जू तक जाएगी, उधर से चल के जाना पड़ता है, 1.5 घंटा लगता है। मैं सोचा कि मेरा वही डेली का बस बराबर मेरे लिए बराबर रहेगा, तो बस छूट गया। तो अभी सीधा ना 8:30 का है, तो इतना लेट हो जाएगा काम पे,
सब क्या मैं सर मैडम क्या बोलेगा करके मैं फोन करके बोल दिया मैम ऐसा से हो गया बस छूट गया। अभी बस सीधा 8:30 का है तो मैडम बोली कि ठीक है चलेगा कोई बात नहीं कल आ जा। तो गाइस आपके साथ कभी ऐसा सीन हुआ है क्या, आप काम पे जाते रहते मतलब फट से अभी ट्रेन या बस ऐसा होता है ना अलग कैसा मूव हो जाता है यार, मतलब यार छूट गया यार अभी क्या करूँ कैसा काम पे क्या सबके साथ ऐसा होता है, दिन बुरा चल रहा है इसके लिए आपके साथ ऐसा होता है कोई बात नहीं, अपने लिए भी कभी दिन अच्छा आएगा। तो गाइस इतना ही बोलना चाहूँगा आपको, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, सब्सक्राइब 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 कर देना। जो का व्यू देखो ये पीछे पब्लिक चल रही है। चलो गाइस बाय, लव यू ऑल, एंड तक ब्लॉग देखने के लिए बहुत शुक्रिया, इसे मुझे प्यार करते रहना मुस्कुराते रहना, लव यू ऑल बाय।